नमस्कार प्रेक्षक, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। 24 अगस्त से खेलों की शुरुआत। काबुल में फंसे भारतीयों को लाने में बड़ी सफलता। यात्रियों के साथ सकुशल लौटा वायुसेना का C-17 ग्लोबल मास्टर विमान। अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ, तो बनाई नई ई इमरजेंसी एक्समिट वीजा कैटेगरी। पाकिस्तान में उच्चायुक्त रह चुके TCA राघवन ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा भारत के लिए धक्का, नागरिकों को निकालना हमारी प्राथमिकता। अटल की पुण्यतिथि पर HPU में हंगामा, केवल भाजपाई और ABVP को ही बुलाना हुआ बवाल। भारत को इस हफ्ते मिल सकते हैं 3 और कोरोना टीके, सरकारी पैनल दे सकती है मंजूरी। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 55 करोड़ के पार। अगस्त के 15 दिनों में लगे टीकों की संख्या 7.5 करोड़। पुलिस मुठभेड़ में पूर्व उग्रवादी नेता के मारे जाने की खबर। सीएम कोनराज संगमा ने दिए जांच के आदेश। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मिला जनता और सीएम खट्टर का आशीर्वाद। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राष्ट्रीय जीन बैंक का किया उद्घाटन, कहा खेती और किसानी के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता से दोनों देशों के बीच आएगी कारोबार में कमी, बकाया पैसा भी डूबने की आशंका। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित होंगे कई हुनर हाट। एस जयशंकर बोले, भारत अफगानिस्तान के हालात पर बनाए हैं नजर और सीधे संपर्क में हैं हिंदू और सिख समुदाय के नेता। तीन सितंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र, 6 को पेश होगा अनुपूरक बजट। जम्मू कश्मीर में स्वयं सहायता समूहों के लिए बनेंगे हाट, समूहों द्वारा तैयार सामानों को बेचने में मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू, विपक्ष ने किया सड़क पर हंगामा। तबादलों में गड़बड़ी पर हटाए गए प्रतापगढ़ के BSA, अनुशासनिक जांच की भी हुई संस्तुति। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस ने किया चुनाव में उतरने का ऐलान और बताया सदर विधानसभा सीट से ठोकेंगी तार। प्रदेश सरकार की कोशिशों से हथकरघा बुनकरों के उत्पाद को जल्द मिलेगा नया मंच, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर होंगे बुनकरों के उत्पाद। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले, विकास के माफियाओं पर प्रहार, विधानसभा चुनाव में होगा मुख्य मुद्दा।
हरदोई में दो कारों की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत, मरने वाले तीनों एक ही वाहन में थे सवार। अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में अवैध रूप से पेंट्री कार चला रहे 10 वेंडर आरपीएफ ने किए गिरफ्तार। बरेली में चाइनीज मांझा के शिकार हुए आरएसएस के दो विस्तारक कटी गर्दन, ध्वजारोहण के लिए संघ कार्यालय जाते वक्त हुआ था हादसा। कानपुर रोड योजना के 9 भूखंड घोटाले की नहीं हो सकी जांच, एलडीए ने दिया कार्रवाई का आदेश। मुरादाबाद से 6 साल पहले चोरी हुई रिवॉल्वर के साथ सपा नेता का करीबी हुआ गिरफ्तार, कानपुर की गन फैक्ट्री में बनी थी रिवॉल्वर। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव, उच्चतर शिक्षा वालों को भी मिलेगा भर्ती का मौका। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब निजी विश्वविद्यालय अनावश्यक नियंत्रण से होंगे मुक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्व पीएम अटल जी के दिए राजनीतिक मूल्य हमारे लिए हैं महत्वपूर्ण। बाराबंकी पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव, बोले भाजपा सरकार में हो रहा है ब्राह्मणों का उत्पीड़न। यूपी में डायरिया से बचाव के लिए चलेगा विशेष सफाई अभियान, पेयजल आपूर्ति की भी होगी नियमित जांच। लखनऊ में सेवानिवृत्त कर्मियों से करोड़ों की ठगी में दो गिरफ्तार, साइबर क्राइम की टीम ने कोलकाता से सरगना समेत दबोचा। अमेठी में दिन दहाड़े शिक्षक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, लाठी डंडों से पीट कर किया आत्मरा, शिक्षक की हालत बनी है गंभीर। भ्रष्टाचार में घिरे यूपी सीडा के निलंबित प्रधान महाप्रबंधक अरुण कुमार मिश्र की छुट्टी, सरकार ने किया जबरिया रिटायर। लखनऊ आएंगे टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता नीरज सहित सभी स्टार खिलाड़ी, 19 को सीएम योगी करेंगे सम्मानित। ₹2022 यूपी विधानसभा चुनाव में जौनपुर के 70,000 अशक्त मतदाता घर बैठे देंगे वोट, कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया निर्णय। बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, चोरों के साथ 13 मोटरसाइकिल की गई जब्त। बुलंदशहर में हत्या का मामला आया सामने, एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पीड़ित परिवार का हंगामा, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शातिर गौकशी करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर में तांत्रिक का मानवीय चेहरा आया सामने, झाड़फूंक के नाम पर बच्चे को अगरबत्ती से जलाया, मामले की जांच में जुटे पुलिस। जौनपुर में पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर किया था वायरल। मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, डीसीएम ने युवक को मारी टक्कर।
यूपी में शहरों के नाम बदलने की कवायद शुरू, मैनपुरी शहर के नाम को बदलने का रखा गया प्रस्ताव। आगरा में 135 बसपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हुआ दर्ज, बिना अनुमति के कार्यक्रम करने का लगा आरोप। अलीगढ़ में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, एसएसपी ऑफिस पर आत्मदाह का किया प्रयास। औरैया में महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या, हत्या के बाद शव को जलाया गया, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। हमीरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की 16 मोटरसाइकिल की गई बरामद। लखनऊ में नशे में धुत युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, साथी युवकों पर अपहरण और जबरदस्ती का लगाया आरोप, स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। लखनऊ में अनियंत्रित होकर पलटी पुलिस की जीप, दो महिलाएं हुई घायल, पब्लिक ने नशे में गाड़ी चलाने का लगाया आरोप। लखनऊ पुलिस को चोरों ने फिर दी है चुनौती, चिन्हट के एक घर से लाखों का माल किया पार। लखनऊ में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, लूट में वांछित 25,000 का इनामी किया गया अरेस्ट, यूपी एसटीएफ की टीम ने सुल्तानपुर से की है गिरफ्तारी। लखनऊ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, रंगदारी ना देने पर चालक को बुरी तरह पीटा, डंपर में तोड़फोड़ कर 13,000 की नकदी भी लूटी। लखनऊ में मवेशी से भरा ट्रक पलटा, खुर्रम नगर चौराहे के पास घटी घटना, मौके से ट्रक चालक हुआ फरार। वाराणसी में ओवरलोड ट्रकों से विश्व सुंदरी पुल को बना है खतरा, दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम ने की है जांच। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत, सीएम ने 21 लाख की योजनाओं का किया शिलान्यास। नैनीताल में महिला का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, मामले की जांच में जुटे पुलिस। बॉडी डीएम ने रांची और इंडोर स्टेडियम का किया निरीक्षण, स्टेडियम में वाटर ड्रेनेज सिस्टम की जांच की। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के चलते लोगों को खतरा, भूस्खलन की वजह से जमीन में आई लंबी चौड़ी दरारें। उत्तरकाशी में गैस सिलेंडर में लीकेज से मकान हुआ जलकर खाक, हादसे में मां बेटी बुरी तरह से झुलसी। केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट बोले, अफगानिस्तान में सभी भारतीय सुरक्षित, घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है केंद्र। टीबीएम से तैयार होगी भारत की सबसे लंबी रेल टनल, स्लेटी चट्टान होने के कारण ली जा रही है टीबीएम की मदद। कालियर में पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार, दबंगों पर कार्रवाई करने से बच रही है थाना पुलिस। चंपावत में दिव्यांगों के लिए वैक्सीन लगवाना हुआ आसान, स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लगाएगी वैक्सीन।
गणेश गोदियाल बोले, भू कानून और देवस्थानम बोर्ड पर हो रही लीपापोती, मानहानि नोटिस पर कहा मैं नोटिस से डरने वाला नहीं। देवस्थानम बोर्ड में असंतोष दूर करने की राह तलाशने में जुटी हुई है सरकार, तीर्थ पुरोहित लगातार कर रहे हैं विरोध। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भावपूर्ण स्मरण, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें बताया महान जननायक। अमेरिकी राष्ट्रपति सेना वापसी के फैसले पर अडिग, बोले कब तक मरते रहते हमारे सैनिक, मौजूदा हालात के लिए गनी को ठहराया जिम्मेदार। अफगानिस्तान पर यूएनएससी की बैठक, गुतारेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने की अपील। बाइडेन ने कहा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालेगा अमेरिका, सहयोगी कर्मियों के सुरक्षित निकासी में करेगा सहयोग। अमेरिकी सेना ने हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में लिया, कई देशों के दूतावास हुए बंद, तालिबान ने कहा नई सरकार की जल्द होगी घोषणा। इमरान खान का फिर तालिबान का प्रेम उजागर, कहा अफगानिस्तान गुलामी की बेड़ियों को तोड़ रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हेलीकॉप्टर और चार कारों में पैसा भरकर देश छोड़कर भागे। ट्रंप ने अफगानिस्तान में पैदा हुए हालात पर जो बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार, बाइडेन ने मांगा इस्तीफा। अफगानिस्तान से निकाले गए भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी, आईएएफ के C-17 ग्लोबल मास्टर ने भरी उड़ान। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन, व्हाइट हाउस के बाहर अफगान नागरिकों ने बाइडेन ने धोखा दिया के लगाए नारे। अमेरिका ने 20 साल में हथियारों सैनिकों पर $83 अरब किए खर्च, फिर भी अफगानी सेना ने घुटने टेके। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, इस्लामिक शासन को चीन दे सकता है मान्यता। चाइना ने दुबई में भी बनाई सीक्रेट जेल, अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को करता है प्रताड़ित। काबुल में दूतावास बंद नहीं करेगा चाइना, तालिबान से फ्रेंडली रिलेशंस के लिए है तैयार। अफगान सेना पर भड़के जो बाइडेन, कहा अफगानिस्तान के सैनिक नहीं है तैयार तो अमेरिका क्यों लड़े युद्ध। नए पाकिस्तान की निकली हवा, इमरान सरकार के 3 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड में 51 में से केवल 2 वादे हुए पूरे। उज्बेकिस्तान बोला तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जबरन 46 अफगान विमान को लैंड कराया गया। अमेरिका में पानी की जबरदस्त हो रही है कमी, सूखे जैसे हालात से परेशान कई राज्यों के गवर्नर, कहा बर्बाद हो जाएगी सारी फसल। ईरान की सीमा पर तुर्की बन रहा है दीवार, अफगानिस्तान के शरणार्थियों को रोकना है मकसद।
तालिबान से जूझ रहे अफगानिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके 4.5 रही तीव्रता। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कैसी होगी महिलाओं की स्थिति, मलाला यूसुफजई ने जताई चिंता। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म करने के लिए जल्द बनाए जाएंगे नियम, वोडाफोन कैरन एनर्जी को मिलेगी बड़ी राहत। अफगानिस्तान में भारतीय कारोबारियों का बकाया फंसने की आशंका, मुख्य रूप से टेक्सटाइल चीनी और दवा का निर्यात करता है भारत। पेट्रोल डीजल फिलहाल नहीं होंगे सस्ते, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा यूपीए सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए ऑयल ब्रांड्स किए थे जारी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एसी लो फ्लोर बस की है रवाना। SBI ने 3725 करोड़ रुपए से शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट का काम, जेवर एयरपोर्ट से 2024 में पहली उड़ान भरेगी फ्लाइट। भारत ने 151 रन से जीता लॉर्ड्स टेस्ट सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त, इंग्लिश टीम 120 रन पर हो गई ऑल आउट। तालिबान ने देश के सभी क्रिकेट स्टेडियम पर किया कब्जा, राशिद खान सहित 3 खिलाड़ियों को छोड़ ज्यादातर वॉर जोन में फंसे। KL राहुल ने खत्म किया 44 साल का सूखा, पहली पारी में जड़ा शतक, सुनील गावस्कर के बाद ऐसा करने वाले पहले भारतीय ओपनर। सैम करन का शर्मनाक रिकॉर्ड, लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में 0 पर हुए आउट। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के शेड्यूल का होगा ऐलान, दिनेश कार्तिक होंगे शो का हिस्सा। सलमान की एक्ट्रेस भाग्यश्री ने किया पोल डांस, दोस्तों संग परम सुंदरी गाने पर मचाया धमाल। क्लासिक वॉर फिल्म हकीकत का कलर वर्जन सालों से रिलीज के इंतजार में, गलवान की लड़ाई पर हकीकत 2.0 बनाने का प्लान। सैफ अली खान स्टारर भूत पुलिस का मोशन पोस्टर हुआ जारी, 18 अगस्त को रिलीज होगा ट्रेलर। महेश मांजरेकर ने 63वें जन्मदिन के अवसर पर अपनी नई फिल्म व्हाइट का किया ऐलान, संदीप और राज होंगे प्रोड्यूसर। टाइगर 3 की शूटिंग के लिए 18 अगस्त को रूस रवाना होंगे सलमान और कैटरीना, टाइगर 3 में सलमान और कैटरीना के साथ इमरान हाशमी भी लीड रोल में आएंगे नजर। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार।